हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ लहसुन की चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए चटनी बनाना शुरू करते हैं। लहसुन की चटनी बनाने के लिए मैं 30-35 कलियाँ लहसुन ली हूँ। इसका छिलका मैं पहले ही हटा लिया है। अब मैं इसे एक मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर देती हूँ और थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसे पीस लेती हूँ। देखिए, मैं लहसुन को पीस लिया है और इसे एक बाउल में निकाल ली हूँ। अब मैं गैस में एक कढ़ाई चढ़ा देती हूँ और कढ़ाई में 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल ऐड कर देती हूँ। तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें 1/2 छोटा चम्मच साबुत जीरा ऐड कर देती हूँ। जीरा चटक गया है, अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर देती हूँ। गैस के फ्लेम को लो रख के हम 20-25 सेकेंड तक धनिया पाउडर को भून लेंगे। धनिया भून चुका है, अब मैं इसमें पिसा हुआ लहसुन को ऐड कर देती हूँ और साथ में सेम बाउल से 1/2 बाउल पानी भी ऐड कर देती हूँ और 2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देती हूँ। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। आप लाल मिर्च पाउडर के जगह सूखी साबुत लाल मिर्च भी पीस कर डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और गैस के फ्लेम को लो ही रखा है। अब इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देती हूँ और चटनी को चलाते हुए 3-4 मिनट तक मैं लो फ्लेम पे पकाऊंगी। चटनी अगर आपको खट्टी पसंद है तो आप इसमें नींबू का रस, इमली, आमचूर पाउडर या दही, आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है आप डाल सकते हैं। हमारे घर में बिना खटाई का ही लहसुन की चटनी पसंद करते हैं, इसलिए मैंने चटनी में कोई भी खटाई नहीं डाली। देखिए, मैं चटनी को 3-4 मिनट तक लो फ्लेम पे अच्छे से पका लिया है। चटनी हमारा बनकर तैयार है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। दोस्तों, ये चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार भी हो जाता है। चटनी को मैं एक सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।